हाय गाइस, आज हम सीखेंगे कि हम सिलबट्टे पे कैसे चटनी बनाते हैं। सिलबट्टा ग्राइंडिंग स्टोन पे हम चटनी कैसे बनाते हैं, आप में क्या बोलते हैं प्लीज़ बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और इससे पहले प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, छोटा सा बेल आइकन होगा उसको प्रेस कर दीजिएगा इससे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए। इसमें इस चटनी में ऐसा कुछ नहीं है कि हम कुछ नया यूज़ करें, जस्ट कि हम ग्राइंडिंग स्टोन पे इसको ग्राइंड कर रहे हैं। इसमें हम नॉर्मली सारे इन्ग्रीडियंट्स इन्हीं लेते हैं, और पहले हम टमाटर जो होता है उसको छोटे छोटे पीसेस कर लेते हैं एंड देन उसको हाथ से पीसते हैं। और एकदम से थिन पेस्ट नहीं चाहिए, एक ही बार में थिन पेस्ट तो नहीं होगा, धीरे धीरे करके थिन पेस्ट होगा। और उसके बाद हम देन उसमें हरा मिर्ची रखेंगे, और मैंने थोड़ा सा लहसुन मैंने आग पे पका लिया था जस्ट वो सौंधी सौंधी टेस्ट देने के लिए। और उसमें मैंने उसको कूच के फिर से मैंने उसको टमाटर के साथ पीसा, तो दो बार टमाटर पीस दिया और फिर आगे के स्टेप्स में पीसते जाएंगे। देन उसके बाद मैंने थोड़ी अदरक डाल दी और फिर मैंने उसको अच्छे से पीसा, और देन उसके बाद हमने उसमें हरा धनिया रखा और थोड़ा नमक रख के उसको अच्छे से पीसा और अच्छे से पेस्ट कर लिया। हमारे टाइम में तो पहले ग्राइंडिंग होता है, मिक्सिंग ग्राइंडिंग होता नहीं था, देन हम इसे बताई नहीं होता था, तो प्रॉपर हमें सिखाएंगे कि कैसे यूज़ करते हैं। इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है, वो सौंधी सौंधी मिट्टी की खुशबू बहुत बहुत ही अच्छा होता है। तो प्लीज़ डू गिव इट अ ट्राई, और हमें बताइएगा कि आपको कैसा लगे कमेंट सेक्शन में। और बहुत सारे कंटेंट आने बाकी हैं, सो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ये वीडियो को लाइक कमेंट शेयर सब कर लीजिएगा। ये देखिए, हमने वीडियो में थोड़ा धनिया रखा, फिर नमक रखा, और उसको अच्छे से हम पीस रहे हैं। तो इस प्रोसेस में ना 3-4 बार टमाटर सब कुछ पीस जाता है, तो वो अच्छे से आपका स्मूथ पेस्ट बन जाएगा। उसके टेस्ट बहुत अच्छे है, उस दिन मैंने सबको खिलाया था, उनको पुरानी यादें ताज़ा हो गई, और बहुत ही अच्छा सा इसमें टेस्ट था जो आपको ग्राइंडिंग मशीन में बिल्कुल नहीं मिलेगा, जो आपको टेस्ट इसमें मिल रहा है। ऑफकोर्स ये टाइम टेकिंग है, बट वो स्वाद है इसमें। अगर आजकल के ज़माने के बच्चे को ये बिल्कुल भी नहीं पता, सो प्लीज़ आप उनको खिलाओ, उनको बताओ। और ये सबसे ट्रिकी पार्ट होता है कि कैसे उठाएं। तो जो मेथड मैंने यूज़ किया, जो आपको वीडियो में दिख रहा है, सेम मेथड से मैं उठाती हूँ इसको, और देखिए कितनी हरी कितनी फ्रेश चटनी बनी है। और जबकि सब कुछ ऑलमोस्ट मिर्ची और धनिया पत्ता ये हमारे ही गार्डन का है, और बहुत ही फ्रेश बनता है, बहुत ही टेस्टी बनता है। सो प्लीज़ प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और ज़रूर से ज़रूर आप बनाइएगा, बहुत ही टेस्टी बनता है। थैंक यू।